राजस्थान के श्रीगंगानगर में नयन में गिरी सिंचाई विभाग की जीप के साथ बहे कांस्टेबल का शव बुधवार सुबह बरामद कर लिया। जिला पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद पुलिस लाइन में शहीद कांस्टेबल पवन कुमार मीणा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। दोपहर बाद शव को लेकर इंदौर कोट कांस्टेबल के पैतृक गांव बीकानेर जिले की खाजूवाला तहसील में लाया गया और गांव में राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान खाजूवाला विधायक गोविंदराम मेघवाल समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने शहीद जवान को सलामी दी। बता दें कि यह हादसा मंगलवार दोपहर को बीकानेर कैनाल की RD 404 पर हुआ। सिंचाई विभाग के उत्तराखंड की जीप में विभाग के चालक विनोद कुमार के साथ कांस्टेबल पवन कुमार मीणा गश्त कर रहे थे। इसके बाद RD 404 पर नहर के पश्चिम तरफ सिल्ट के ढेर से टायर फिसल जाने से जीप के टायर नहर में उतर गए। इस तरह जीप नहर में जा गिरी। जीप के चालक विनोद कुमार ने कूदकर जान बचाई, जबकि पवन कुमार मीणा को तैरना नहीं आता था और वहाँ पर नहर की गहराई करीब 18 फीट से अधिक थी। इतने गहरे और तेज बहाव के पानी में तैरना नहीं जानने कारण पवन कुमार जीप के साथ वहाँ डूब गए। इसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह पवन कुमार को तलाश कर बाहर निकाला गया। तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वही बता दें कि पवन कुमार मीणा 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उससे बड़ा कमलेश कुमार मीणा राजस्व विभाग में पटवारी है। पवन से 2 छोटे भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पवन कुमार शादीशुदा था और 2 साल के बच्चे का पिता भी है। वह 2013 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। इसके बाद कर्णपुर विधायक गुरमीत ने शहीद के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा कि कांस्टेबल पवन कुमार नहरों में पानी चोरी रोकने को निगरानी ड्यूटी कर रहे थे। वे किसानों की जल संकट की समस्या के समाधान में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे थे और उनकी सदात को पूरा जिला नमन करता है। इस प्रकार श्रीगंगानगर में नहर में डूबे पवन कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई।